नमस्कार। बसंत पंचमी आने को है तो मुझे याद आया कि आप लोगों को कुछ बताया जाए बसंत पंचमी के बारे में, जो मेरे प्रिय कवि अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ है। और ना ही सिर्फ अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ है, ये अमीर खुसरो और उनके गुरु ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दोनों से जुड़ा हुआ है। तो आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो हम हिंदू तो बहुत ही मन लगा के मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो चिश्तिया घराने के या जो भी सूफी पीर फकीर हुए हैं उनकी दरगाहों पर भी बसंत पंचमी मनाया जाता है। अब उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो हुआ यूं कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया साहब, उन्होंने तो शादी की नहीं थी, पर उनकी एक बहन थी और उनका बहन का जो बेटा था उससे वो बहुत प्यार करते थे। उनके भांजे का नाम था तकीउद्दीन नू। तो साहब तकीउद्दीन नू जो थे वो 18 साल की उम्र में असमय अल्लाह को प्यारे हो गए, और इस बात के दुख से निज़ामुद्दीन औलिया बहुत दुखी हुए। इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने घर से निकलना ही छोड़ दिया। जिस जगह पे वो रहते थे उसको चिल्लाए शरीफ कहते हैं, तो वो अपने चिल्लाए शरीफ से नहीं निकलते थे, और निकलते भी थे तो नूह की कब्र के पास जाके बैठ जाते थे और रोते रहते थे। उन दिनों अमीर खुसरो कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम से। जब वो वापस आए तो आसपास वालों ने उन्हें बताया कि आपके मुर्शिद जो हैं वो बेहद दुख में हैं, इस समय उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनसे मिलना चाहिए, मिलके बात करना चाहिए। तो अमीर खुसरो गए, पर उनको लगा कि बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं। अब अमीर खुसरो भी दुखी हो गए और अमीर खुसरो भी दुख के मारे परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्होंने देखा कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास से कुछ महिलाएं जा रही हैं। वो महिलाएं हाथ पे पीले फूल लिए, पीली रंग की साड़ी पहने हुए, और उनके साथ में कुछ पुरुष और कुछ बच्चे भी थे, सबके सभी पीला रंग का फूल और पीले रंग की साड़ी पहने हुए और जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? तो कुछ महिलाओं ने बताया कि हम कालका जी मंदिर जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, क्यों जा रहे हैं? बोले, आज हमारा त्यौहार है, आज वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो अपनी माँ को, अपने भगवान को खुश करने के लिए हम आज पीले रंग की साड़ी और पीले फूल लेकर और भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं। तो अमीर खुसरो को लगा कि जब ये अपने भगवान को खुश करने के लिए पीले रंग की साड़ी और पीले फूल लेके जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत एक पीले रंग का घाघरा, चुनरी और दुपट्टा डाला और झूमते हुए निज़ामुद्दीन के दरबार में पहुंच गए। हाथ में उन्होंने एक टोकरी में फूल ले लिए और निज़ामुद्दीन को फूल उनके ऊपर फेंकने लगे, या कहें कि छिड़कने लगे। और जब उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, आज बसंत पंचमी है, आज अपने मुर्शिद के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो क्या आप खुश हुए? तो अमीर खुसरो को पीले रंग के कपड़ों में एकदम स्त्रियों के भांति देखकर बहुत खुश हो गए निज़ामुद्दीन औलिया।
और उन्होंने उठकर उन्हें गले से लगा लिया। और फिर अमीर खुसरो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने ये प्यारा सा गीत लिखा। सकल बन फूल रही सरसों के, बन बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूले टेसु फूले, कोयल कूके डारी डारी, और गोरी करत सिंगार, मलनवा गढ़वल आई करसों, सकल बन फूल रही सरसों, तरह तरह के फूल खिलाए, ले गढ़वा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए, आशिक रंग अर बीत गए बरसों, सकल बन फूल रही सरसों। तो तब से ही लगभग 750 साल का समय बीत गया और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में हर साल सालों साल से बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद कुछ समय बाद से कई और दरगाहों पर भी बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जो अपने गुरु और शिष्य के बीच में इतना प्रेम देखने को मिलता है निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बीच में, उनको बार बार प्रणाम है और सलाम है। एक छोटी सी बात और कि उन्होंने और बहुत कुछ लिखा है, मैं एक ब्लॉग पोस्ट की लिंक आपको दे रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। उसके अंदर एक वीडियो है कि हर साल किस तरीके से बसंत पंचमी के दिन उत्सव मनाया जाता है निज़ामुद्दीन की दरगाह पर। तो उसमें एक विशेष गीत है जो हर बार गाया जाता है, जो ऐसा है कुछ, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, लंबे नहर लगाए तू क्या सोवे नींद की मासी, जो सोवे तेरी बात सुह। तो अद्भुत, बहुत अद्भुत है बसंत का त्यौहार। और आप सभी को 29 जनवरी सन 2020 को पड़ने वाली बसंत पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग खूब खुशियां पाएं, ऐसी मेरी बहुत सारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और ज़रूर देखें, पढ़ें, सुनें, समझें, बहुत ही अद्भुत समय है ये। समय ऐसा है जब हम पतझड़ से और हरियाली की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है, संक्रमण काल है, और इस काल के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। I'm gonna be like